जी टीवी के शो कुंडली भाग्य के कारण यानी कि शक्ति अरोड़ा ने आखिरकार शो में अपने सफर को अपने आखिरी शूट के साथ खत्म कर दिया है। जी हाँ, हाल ही में शक्ति ने अपने लास्ट एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली। तो वही शो में अंजलि के नेगेटिव किरदार में नजर आने वाली एक्ट्रेस सोनम वेंगुर्लेकर ने भी शो में अपने किरदार के लास्ट शूट को पूरा कर लिया है। लंबे वक्त तक इस शो से जुड़े रहने के बाद आखिरी दिन दोनों ही स्टार्स बेहद इमोशनल भी हुई, जहां शक्ति ने अपने इमोशंस को लास्ट शूट के बाद अपने पोस्ट के जरिए जाहिर किया है। तो वहीं सोनल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शक्ति ने क्या कुछ कहा अपने लास्ट शूट को कम्प्लीट करने के बाद। शक्ति ने एक वीडियो को पोस्ट किया है जिसमें करण के किरदार में उनकी तमाम झलकियां देखी जा सकती हैं, जो उनकी जर्नी को दिखा रही है। इसी के साथ शक्ति ने एक लंबा कैप्शन भी लिखा है। शक्ति ने इस कैप्शन में अपने इमोशन जाहिर करते हुए शो से जुड़े तमाम लोगों, जिसमें प्रोड्यूसर एकता कपूर, डायरेक्टर, मेकर, क्रिएटिव टीम, को स्टार्स जिसमें श्रद्धार्या, संजय गगनानी, सोनल, सभी को इतनी खूबसूरत यादें देने के लिए धन्यवाद किया है। और अपने पोस्ट में अंत में लिखा, द शो मस्ट गो ऑन। तो वहीं शो में अंजलि का किरदार निभाने वाली सोनल ने इंडिया फोरम से खास बातचीत की और लीप और अपनी एग्जिट पर क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। सोनल ने कहा, वेल जैसे कि हम सभी जानते हैं, शो एक जेनरेशन लीप की ओर बढ़ रहा है और मैं एक पुराने किरदार को नहीं निभाना चाहती थी। इस तरह ट्रैक को एक ठोस तरीके से ढाला गया है। यदि मैं मेन लीड निभाती हूँ तो मुझे किरदार के लिए उम्र बढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन मेरा मानना है कि जिस शो में मैंने बीच में एंट्री की थी उसमें आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सोनल आगे कहती हैं कि शो को मिड में ज्वाइन करने से उनका बाकी के स्टार्स के साथ इतना गहरा बॉन्ड नहीं है, लेकिन वो शक्ति और अंजुम को काफी याद करेंगी। सोनल ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने सेट पर सॉलिड बॉन्ड नहीं बनाया। मेरे ज्यादातर सीन शक्ति अरोड़ा और अंजुम फकीर के साथ थे। मैं उन्हें चारों ओर याद करूंगी। हाल के दिनों में ये काफी बिजी रहा है क्योंकि हमें जल्द से जल्द शूटिंग पूरी करनी थी। बता दें कि शो में लीप 16 मार्च को दस्तक देने वाला है, जिसके साथ सना सईद, पारस कलनावत और बसीर अली शो में एंट्री करेंगे एज अ न्यू लीड एक्टर। ऐसे में जहां एक तरफ पुराने स्टार्स के जाने से जनता में निराशा है, तो वहीं नए ट्रैक को देखने की एक्साइटमेंट भी काफी देखी जा रही है।